नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। पिछला वीडियो मैंने डाला था कि भाई इंडिया में मेडिकल सेंटर कितने हैं और कहां कहां होते हैं, क्योंकि इंडिया मेडिकल के नाम से सबसे ज़्यादा फ्रॉड मेडिकल के नाम से होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि जिस तरीके से लोग मुझे बताते हैं तो ये सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम से लोग मेडिकल करवाते हैं, आप लोगों को भी पता है। और दूसरी बात ये कि मेडिकल का पैसा लगता है, मान लीजिए 2000, एजेंट बताता है मिला के 4000 की, सर आपके 4000 रुपये लगेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सिंगापुर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सिंगापुर का लाओ जी 8000। पूछने वाला होना चाहिए कि यार सिंगापुर के मेडिकल की जरूरत क्या है, आप पहले काम तो करवाइए। लेकिन नहीं, पहले मेडिकल होगा जी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। गम का मेडिकल से रिलेटेड मैं कुछ बात करूंगा। आप गलब से रिलेटेड अगर आप किसी भी कंट्री का मेडिकल करवाते हैं तो कितना चार्ज लगता है गम का में, और कितना चार्ज आपको भरना पड़ता है, कितना आपका खर्चा आता है, इससे रिलेटेड। इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करके साथ में बेल आइकन बटन उसको दबा दें, ताकि हर रोज अच्छी जानकारी विदेश से संबंधित आप सही परसेंट 100% सही आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं साथियों की। अगर आप गम का से रिलेटेड कहीं मेडिकल करवाते हैं तो कौन सी कंट्री का कितना पैसा लगता है। अब बहुत सारे, कल एक बंदे का कमेंट है, सर कुवैत का तो 3800 रुपये लगता है। अरे भाई देखिए, कुवैत के कोई टाइम में 1200 भी गवर्नमेंट ने किए थे, आपको पता होना चाहिए। और हमारे राजस्थान में गम का होता था जयपुर में, उसको घुमा के कर दिया दिल्ली, सिर्फ दिल्ली मेडिकल होते थे, 12000 फीस करी थी और कम से कम 6 महीने वो फीस रही थी, उसके बाद में 6000 भी कर दिए। अब गवर्नमेंट है भाई, उसका क्या कर सकते हैं। वो वीडियो मैंने कब का डाला, लोग आज कमेंट कर रहे हैं आप तो झूठ बोल रहे हो, आप उनको ये नहीं पता होता यार वो वीडियो कब का है, वो जाके देखो आप। फेरबदल हर चीज़ में होता है। आज मैं आपको पेट्रोल का भाव बताऊं, 80 रुपये लीटर है, 6 महीने बाद वो 75 आ जाए, तो आप तो बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो ये तो 75 का भाव चल रहा है। लेकिन यार थोड़ा सा गौर करिए ना कि वीडियो कब का है। तो मैं गम का रिलेटेड आज बात करूंगा, खास तौर से गल्फ से रिलेटेड 6-7 कंट्री हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है सर। गम का मेडिकल फीस इन इंडिया में अगर आप करवाते हो तो कितना चार्ज आपका लगता है। सबसे पहले साथियों बात करेंगे गम का मेडिकल फीस इन कुवैत, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुवैत के में अंदर प्रॉब्लम होती है मेडिकल के नाम से। तो इसका 3800 रुपये गवर्नमेंट फीस है, जिसकी आपको स्लिप मिलेगी। और इसके अलावा मैं बता दूं, आपको स्लिप एक और कटवानी पड़ती है, ऑनलाइन स्लिप बोलते हैं, 1000-1500 रुपये आपका, 1000-1200 रुपये उसका और खर्च हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपका 5000 के करीब आपका कुवैत का मेडिकल खर्चा लगेगा। 3800 रुपये में काम नहीं चलेगा भाई, और भी अलग खर्चा होता है, वो आप गिनते नहीं हो, वो इसमें ऐड भी नहीं होता, ये और बता दूँ मैं आपको। दूसरी बात करते हैं गम का मेडिकल फॉर सऊदी अरबिया, इसके साथियों 4500 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। 5000-5500 रुपये आपका खर्चा आएगा, आपको वहाँ पे फ़ोटो भी करवानी होती है अलग से, उनके चार्जेज होते हैं, स्लिप एक और कटती है उसके भी वो चार्जेज ले लेते हैं, तो वो अपने को देने पड़ते हैं, ठीक है। 4500 ये इसका सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी का मेडिकल खर्चा आता है। आगे बात करते हैं ओमान, ओमान का अगर आप मेडिकल करवाते हो तो 5000 रुपये आपका खर्चा आएगा, लास्ट में आप निकलोगे तो आपका 6000 खर्चा पड़ चुका होगा, ठीक है साथियों। गम का मेडिकल बात करें बहरीन, अगर आप बहरीन का मेडिकल करवाते हो तो सेम खर्चा आता है साथियों, 5000 रुपये बहरीन का भी खर्चा, 5000 रुपये आता है आपका। अब कतर का अगर आप वैसे देखा जाए तो कतर गम का नहीं मांगती है, लेकिन अगर आप गम का मेडिकल कतर का करवाते हो तो आपका 2400 रुपये गवर्नमेंट फीस आपको पे करनी पड़ेगी गम का मेडिकल की, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, जैसे आप दुबई का आप मेडिकल करवाते हो तो 2200 रुपये गम का मेडिकल लगता है, हालांकि अबू धाबी वगैरह में चल जाता है बिना मेडिकल, लोग यहाँ से जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, काम हो जाता है दुबई और कतर का। लेकिन आप गम का करवाओगे तो आपको ये 2400-2200 रुपये देने पड़ेंगे, इसके अलावा ऑनलाइन स्लिप का अलग से चार्ज लग जाता है। तो मान लीजिए 3000 रुपये इसका पकड़ लीजिए, 3200 रुपये इसका पकड़ लीजिए, इतना खर्चा आपका लग जाता है। ये है सऊदी, मान लीजिए गल्फ से रिलेटेड जो कंट्रियां हैं ये इनका मेडिकल चार्जेज होते हैं। यहाँ पे आप मेडिकल करवाओगे, एक नंबर में आपकी रसीद मिलेगी, जेन्युइन मेडिकल होगा, कोई चिटिंग आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथोराइज सेंटर हैं। इसके अलावा कहीं कोई आपका एजेंट आपसे मेडिकल करवाता है तो वो फेक मेडिकल है, ये मान लीजिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि 500-700-1000 रुपये में नॉर्मल मेडिकल कहीं पर भी आप करवा लो, जिसमें ब्लड एक्सरे की जांच होती है, बंदे को पता लगता है ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरे में फिट है, तो उनके लिए 1000-1200 रुपये हो जाता है, वो एक अलग इश्यू रहेगा। बाकी मेडिकल चार्जेज ये रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ इसी तरीके की जानकारी मिलती रहे। कानूनी जानकारी देखने के लिए नीचे लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप जाके मेरा नया चैनल उसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।